गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्य उत्तर काल का अध्ययन किए थे। अब हम आते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में कितने शासक हुए, कितने राज्य किए, कौन किसका उत्तराधिकारी था, उन सब का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहले तो जब कुषाण मतलब लास्ट जो आए थे, जो उत्तराधिकारी आए थे, देसी उत्तराधिकारी जो मौर्योत्तर काल में था, तो लास्ट था कुषाण जो मतलब कनिष्क जिसमें मशहूर था, फेमस था, विख्यात था। ठीक, तो कुषाणों के बाद जो कुषाण के पश्चात जिस साम्राज्य की स्थापना हुई वो था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में मतलब जो इस यहाँ पे आपको हमने दिया है 316 से 550 तक इन्होंने अपना राज्य किया। तो इसमें ये है कि जो इसका जो मेन संस्थापक है, इसमें क्या होता है, मतभेद होता है, क्योंकि कहा जाता है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच, तो श्रीगुप्त के बाद जो घटोत्कच था, ये दोनों पूर्ण रूप से शासक थे, ये किसी के अंडर में थे। मतलब उस टाइम भी ये दोनों शासक राजा श्रीगुप्त और घटोत्कच वो दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। होता ना कि वो किसी के सलाहकार की मदद से कोई काम करते थे, कोई अपना मत नहीं, खुद का कोई डिसीजन नहीं होता था, वो किसी के कहने पर ही। जैसे कि अभी हम लोग कहते हैं कि हमारा राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है लेकिन उसे पूर्ण तरह से कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ क्या है, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कार्य जो मतलब कथन होता है उसके अनुरूप ही चलता है, उसे बस ज़्यादा कोई खुद का कोई पावर नहीं होता है। तो सेम ऐसे ऐसा ही यहाँ पे हुआ कि जो श्रीगुप्त हुआ और घटोत्कच वो किसी न किसी के अंडर में काम करते थे और दोनों पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक नहीं थे। फिर बात हम करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था वही क्या है, गुप्त साम्राज्य का, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। तो इसमें यह चीज होता है कि गुप्त वंश का, गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। क्योंकि प्रथम इसके बाद की द्वितीय क्या है, तो ये जो चंद्रगुप्त प्रथम था वो क्या था, वास्तविक संस्थापक था और 319 में इसने साम्राज्य का स्थापना किया। और इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धनराज की उपाधि भी दी गई थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि गुप्त वंश का, गुप्त साम्राज्य का जो गुप्त वंश के लिए गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था, तो ये था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। और एक प्रश्न बनता है कि महाराजा धीराज को उपाधि किसे प्राप्त थी, महाराजा धीराज को उपाधि किसे प्राप्त थी, तो क्या है, वो चंद्रगुप्त प्रथम था। फिर बाद में बात करते हैं हम चंद्रगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वो था समुद्रगुप्त। इसका जो उपाधि थी मतलब ये जो उपाधि थी चंद्रगुप्त को उपाधि मिली थी वो महाराजा धीराज को मिली थी, और समुद्रगुप्त को जो उपाधि मिली थी वो श्री विक्रम, मतलब समुद्रगुप्त को जो उपाधि मिली थी वो कौन सी उपाधि थी, वो थी श्री विक्रम उपाधि, और इसी का उपनाम है, मतलब कि समुद्रगुप्त का ही उपनाम है भारत का नेपोलियन। तो यहाँ पे ये है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो क्या है, वो समुद्रगुप्त है। ठीक, फिर इसी तरह आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। तो इसीलिए प्रथम और द्वितीय ना कहते हुए प्रथम पद चंद्रगुप्त ही होता है। ठीक, लेकिन बात आती है द्वितीय की, तो यहाँ पे ये बात नाम आता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उपाधि को छोड़ दिया था। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही क्या है विक्रमादित्य, क्योंकि जो उपाधि मिली थी उसे वो विक्रमादित्य की उपाधि उसे मिली थी। तो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया और उसकी जो उपाधि वो थी विक्रमादित्य। और इसी के काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। और मतलब ये भी कहा जाता है कि मतलब एक प्रश्न बनता है कि स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जो गुप्त काल था, गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसी के काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही काल
मदित के बाद कुमार और इनको जो उपाधि मिली थी, इनकी उपाधि थी महेंद्रगुप्त। कुमार उनकी उपाधि महेंद्रगुप्त और इसी ने मतलब कुमार गुप्त ने ही मतलब कुमार गुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो कौन था, वो ना क्या बोलते हैं कुमार गुप्त था। ठीक है, तो यहाँ पे बंदा चंद्रगुप्त मध्य विक्रमादित्य के बारे में कि गुप्त काल का स्वर्णयुग इसी काल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था गुप्त काल में जो कला था वो अपनी चरम सीमा को स्पर्श कर चुका था। कि और चीनी यात्री पाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। बात आई कुमार गुप्त की, तो कुमार गुप्त की जो उपाधि थी वो महेंद्रगुप्त थी। ठीक, और ये नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, तो ये आपको क्या है कुमार गुप्त। फिर बाद में आते हैं स्कंद गुप्त, ये क्या है, यही गुप्त वंश का अंतिम शासक, मतलब गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंद गुप्त था। और इसको जो उपाधि मिली थी वो थी क्रमादित्य की उपाधि मिली थी। और इसी के शासनकाल में बूढ़ों ने मतलब बूढ़ों का आक्रमण हुआ था, बूढ़ों का आक्रमण हुआ था और ये क्या था, ये लास्ट गुप्त वंश का शासक था और इसकी उपाधि मिली थी क्रमादित्य की। तो यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक, मतलब इसमें तो आपको मतलब सिंपल में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको डिटेल में बता दी कि मतलब हमेशा आप लोग को ये चीज़ काम आ सकती है। ठीक, कौन था संस्थापक, जो मेन संस्थापक था गुप्त वंश का कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था, और इसे कौन किस उपाधि के नाम से मतलब कौन सी उपाधि मिली थी, तो इसे महाराजा धीराज की उपाधि मिली हुई थी। बात करते समुद्रगुप्त, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। और जो इसकी उपाधि थी वो कौन सी उपाधि थी, श्री विक्रम की उपाधि से मिली थी। ठीक, फिर बात आती है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और इसी काल को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही काल को फिर उसके बाद जैसे आते हैं कुमार गुप्त, तो ये कहा जाता है कुमार गुप्त प्रथम थे, उनको जो उपाधि मिली थी वो महेंद्रदित्य की उपाधि थी। और इसी के ही काल को मतलब इस टाइम मतलब जब गुप्त वंश चला तो इन्हीं के काल को स्वर्णयुग के नाम से मतलब उस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। और ये इन्हीं के कुमार गुप्त के ही शासनकाल में कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना या कह लीजिए कि दो क्या बोलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो कुमार गुप्त है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही शासनकाल में चीनी यात्री जिस जो फाहयान था वो भारत यात्रा आया था। फिर बाद में आते स्कंद गुप्त, और यही गुप्त वंश का अंतिम शासक था। और इसी के शासनकाल में घोड़ों का आक्रमण हुआ और इसकी जो उपाधि थी क्रमादित्य की उपाधि थी। तो आज क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे की डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।